हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो? होप्स आप सब बढ़िया हो गए। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल UGC नेट कॉमर्स मेड इजी। यहाँ पे आपको पेपर वन जनरल पेपर और पेपर टू कॉमर्स का कंप्लीट सिलेबस कवर अप करवाया जा रहा है। दिसंबर 2023 के लिए ऑलरेडी फ्री बैच स्टार्ट हो गया है, जिसमें आपको यूनिट वन से लेकर टेंथ तक दोनों पेपर्स का, पेपर वन का भी पेपर टू कॉमर्स का कंप्लीट सिलेबस कवर अप करवाया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। डेली बेसिस पे स्ट्रक्चर्ड वे में यूट्यूब पे क्लासेस कंडक्ट होते हैं। आप PDF नोट्स, आपको पूरे पूरे कंप्लीट PDF नोट्स इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में प्रोवाइड किए जा रहे हैं। दोनों पेपर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। इवन डेली मॉक टेस्ट कंडक्ट होता है दोनों टेलीग्राम और यूट्यूब पे। सो जस्ट आपको करना क्या, एक तो आप अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर लो। यहाँ पे अगर आप दोनों चैनल्स को अच्छे से फॉलो कर रहे हो तो डैम श्योर आपका JRF प्लस नेट फर्स्ट टाइम में क्रैक हो जाएगा। सो आज जैसे कि पता, सो दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर लेना। जैसे आपको पता है, आज हमारे है पेपर टू कॉमर्स की क्लास, ठीक है? काफ़ी दिन हो गए थे हमने पेपर टू कॉमर्स की क्लास कंडक्ट ही नहीं की थी। सो आज हम करने जा, हमारी 1, 2, 3 यूनिट्स, यानी यूनिट 1 जो हमारी बिजनेस इन्वायरमेंट और इंटरनेशनल बिजनेस की थी, यूनिट 2 हमारी अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग की, और यूनिट 3 जो हमारी बिजनेस इकोनॉमिक्स थी, वो फुल फ्लेज कंप्लीट हो चुकी है। आज हम अपनी यूनिट 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं बिजनेस फाइनेंस की। ये अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स है, जिसमें से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पेपर में। सो बिना टाइम वेस्ट किए आज स्टार्ट करते हैं। अप्रॉक्स 156 पेज के अराउंड ये तो हमने किया। हाँ, आज हम करने जा रहे हैं बिजनेस फाइनेंस की। देखो, स्टार्ट करते हैं। आपको पता ही है हम फाइनेंस क्या होता है। देखो, फाइनेंस बिजनेस का लाइफ ब्लड है। मतलब अगर आपके पास पैसा होगा, आपको पैसा चाहिए, तब ही आप बिजनेस चला पाओगे। जैसे आपको आपको जीने के लिए ब्लड की रिक्वायरमेंट है, सेम तरीके से बिजनेस को जीने के लिए फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है। इसके रिगार्डिंग ये पूरी यूनिट है, इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। देखो, सबसे पहला हमारा टॉपिक आता है स्कोप क्या होता है फाइनेंस का। देखो, जो स्कोप है ना फाइनेंस का, बेसिकली जितने भी एरियाज हैं, एस्पेक्ट्स हैं बिजनेस के या पर्सनल एक्टिविटीज़ के, जिनको फाइनेंशियल, मतलब जिन चीज़ों को फाइनेंशियल, मतलब बेसिकली आप कह लो, ये वो सारे एरियाज हैं, एस्पेक्ट्स हैं बिजनेस के या आपके ऐसी पर्सनल एक्टिविटीज़ है कि इन चीज़ों को आपको फाइनेंशियल रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। आपको फाइनेंसेस अरेंज करने पड़ेंगे, सोर्सेज को जनरेट करना पड़ेगा, फिर उसको मैनेज भी करना है। सो ये सब कुछ कहीं ना कहीं स्कोप ऑफ फाइनेंस के अंदर आ जाता है। इसमें बहुत सारी एरियाज आते हैं। अगर हम मेजर मेजर एरियाज करें तो सबसे पहला आता है कॉरपोरेट फाइनेंस। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम कंपनी के फाइनेंशियल रिसोर्सेज को मैनेज करते हैं। यानी देखो, कंपनी भी एक तरीके का, यानी अगर आपको मैं सिंपल वे में बताऊं, जब आप देखो, कंपनी भी एक बिजनेस है। कंपनी ने जब अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज को मैनेज करना, मतलब वो कितना कितना कहाँ कहाँ से कौन से सोर्स से पैसा उठा रही है, उस चीज़ को मैनेज करने के लिए हम कॉरपोरेट फाइनेंसिंग करते हैं, ठीक है? कॉरपोरेट इज इक्वल टू कंपनी, मतलब कंपनीज को ही कॉरपोरेट कहा जाता है। इसमें आप कैपिटल बजटिंग करते हो, मतलब आपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस कैसे कैसे लेने हैं, आपका पैसा आप कहाँ कहाँ लगाओगे, जहाँ जहाँ से आपको रिटर्न मिलेगी, आप फाइनेंशियल एनालिसिस करोगे। मतलब देखो, आपको पैसा उठाने की कीमत पड़ेगी। आप ये चीज़ देखोगे कि वो कीमत कम से कम आपको पड़नी चाहिए और रिटर्न उस पैसे से ज़्यादा मिलनी चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट आते हैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। देखो, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का फोकस है कंपनीज के लिए कैपिटल को रेस करना। अब रेस किसके थ्रू करना, जैसे अंडरराइटिंग सिक्योरिटीज होगी, मर्जर्स होगे, एक्विजन्स होगे, और एडवाइजरी सर्विसेज होगी। मतलब ठीक है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग काम कंपनी के लिए ही करती है, कंपनी के लिए वो पैसा उठा के देते हैं, बट इनका जो पैसा उठाने की एक्टिविटीज हैं वो डिफरेंट हो जाती हैं। यानी अब ये इशूज शेयर्स वगैरह नहीं इशू करते, ये अंडरराइटिंग सिक्योरिटीज का काम करते हैं, मर्जर्स कंपनीज के आपस में हो जाते हैं, एक कंपनी दूसरी को एक्वायर कर लेती है, या कोई एडवाइजरी सर्विसेज के बदले भी पैसा उठाया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं फाइनेंशियल मार्केट। इसमें स्टॉक मार्केट, बॉन्ड मार्केट या ऐसा कोई प्लेटफॉर्म जहां पे इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशंस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को ट्रेड करते हैं, वो सब कुछ आ जाता है। मतलब देखो, स्टॉक मार्केट में शेयर्स की डीलिंग होगी, इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स हो गए, बॉन्ड मार्केट में बॉन्ड्स हो गए या डिबेंचर्स हो गए, या ये देखो ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे बायर्स और सेलर इकट्ठे होकर ट्रेड करते हैं सिक्योरिटीज में। मतलब शेयर्स को डिबेंचर्स को, यानी ये दोनों चीजें सिक्योरिटीज के अंदर आ गई, उनको खरीदा और बेचा जाता है। तो ये तो तीन मेजर थी। अब इसमें एक और टॉपिक आता है, वो ध्यान से करो, पेपर में बहुत बार पूछा गया है। सो अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने चाह रहे हैं, रिचर्ड रोल का। यानी रिचर्ड रोल एक ना इन्फ्लुएंशियल इकोनॉमिस्ट थे और रिसर्चर थे, जिन्होंने फाइनेंस के फील्ड में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम किया है, ठीक है?
इसके रिगार्डिंग पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आया कि रिचर्ड रोल के रिगार्डिंग बीइंग एन इन्फ्लुएंशियल इकोनॉमिस्ट एंड रिसर्चर इन्होंने क्या क्या काम किया फील्ड ऑफ फाइनेंस में। देखो इन्होंने आर्ग्यू किया था कि जो मार्केट्स हैं अगर आपने उनको एफिशिएंट बनाना है ठीक है तो बहुत ज़्यादा एक नेसेसरी कंडीशन है ट्रेडर्स के लिए कि उनको दैट इज हु मेक अ लिविंग बाय बीटिंग द मार्केट थ्रू ट्रेडिंग। मतलब अगर देखो रिचर्ड रोल का कहना क्या था, अगर आप मार्केट को एफिशिएंट बनाना चाहते हो तो एक नेसेसरी प्री कंडीशन है ट्रेडर्स के लिए उनको लिविंग अपनी लिविंग बीटिंग द मार्केट करनी होगी थ्रू ट्रेडिंग। अब इसको ना ध्यान, एक ये ना एक लाइन है टू हैव ट्रेडर्स हु मेक, मतलब वैसे ट्रेडर, मतलब अगर मैं आपको सिंपल वे में बताऊँ मतलब वो ट्रेडर्स चाहिए मार्केट को जो अपना जीना यानी अपनी लिविंग करते हैं बाय बीटिंग द मार्केट थ्रू ट्रेडिंग। एफिशिएंट मार्केट थ्योरी है ठीक है, वो थ्योरी सजेस्ट करती है कि जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं ना वो जनरली एफिशिएंट ही होती हैं इन इनकॉर्पोरेटिंग ऑल अवेलेबल इन्फॉर्मेशन इनटू एसेट प्राइसेस। यानी देखो आपको अगर आपने मार्केट में ट्रेड करना है तो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए ठीक है। मीन्स अगर आपको मैं सिंपल भाषा में बताऊं, ध्यान से समझो पहले, रिचर्ड रोल का सिंपल ये कहना था, जो देखो रिचर्ड रोल एक इन्फ्लुएंशियल इकोनॉमिस्ट और रिसर्चर था जिसने फाइनेंस की फील्ड में काम किया था, ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी क्योंकि ये पेपर में बहुत बार पूछी जाती है, ये मैंने आपको अच्छे से करवा दिया। अब उसका सिंपल ये कहना था अगर मार्केट्स को एफिशिएंट रहना है तो उन मार्केट्स में ऐसे ट्रेडर्स चाहिए जो मार्केट को बीट करके, मतलब अब बीट कैसे करेंगे, थ्रू ट्रेडिंग, और वो अपना काम करते हो ठीक है। यानी एक एफिशिएंट मार्केट थ्योरी थी जो ये सजेस्ट करती थी कि जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं ना वो जनरली एफिशिएंट ही होती हैं क्योंकि जितनी भी मार्केट में अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को एसेट प्राइजेस के बीच में इनकॉर्पोरेट किया जाता है। यानी एक एफिशिएंट मार्केट में जो प्राइजेस है ना वो रिफ्लेक्ट करते हैं जितनी भी वहाँ की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है कि वो सभी एसेट के प्राइजेस में इनबिल्ट या एम्बेडेड हो रही है ठीक है। एंड उनके लिए ये डिफ़िकल्ट हो जाता है कि इन्वेस्टर्स के लिए कि वो कंसिस्टेंटली एबनॉर्मल या एक्सेस रिटर्न्स नहीं अर्न कर सकते बाई ट्रेडिंग ऑन डैट इन्फॉर्मेशन। कहने का मतलब क्या है, देखो सिंपल चीज़ है, एफिशिएंट मार्केट थ्योरी इतना सजेस्ट करती है कि जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं वो जनरली एफिशिएंट होंगे क्योंकि जितनी भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है वो सारी की सारी एसेट प्राइसेस में इंकॉर्पोरेट की जाएगी। बट एक एफिशिएंट मार्केट में जो प्राइसेस होते हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं सारी की सारी जो आपको इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी पता है, और ये चीज़ इन्वेस्टर के लिए डिफ़िकल्ट हो जाती है कि वो कंसिस्टेंटली एबनॉर्मल या एक्सेस रिटर्न्स नहीं अर्न कर सकते अगर वो ट्रेड करते हैं उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे। यहाँ पे ना एक लाइन आई थी पेपर में, पहले वो समझो, पहले लाइन समझो क्या है, ट्रेडर्स हु मेक अ लिविंग बाय बीटिंग द मार्केट थ्रू ट्रेडिंग। यानी ये मैंने आपको बताया वो ट्रेडर्स जो लिविंग बना रहे हैं अपनी बाय बीटिंग द मार्केट थ्रू ट्रेडिंग, बेसिकली ये वो इंडिविजुअल्स और प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं जो एक्टिवली इन्वॉल्व हैं मार्केट में एंड वो स्ट्राइव करते ही रहते हैं कि वो जो उनकी नॉर्मल एवरेज मार्केट रिटर्न्स आ रहे हैं ना वो उनसे ज़्यादा कुछ हासिल कर पाए। मतलब वो अपनी तरफ से 101% देंगे कि वो एवरेज मार्केट रिटर्न से कुछ ज़्यादा ही अचीव कर पाए। यानी जो ये ट्रेडर्स हैं ये डेडिकेट करते हैं अपना सिग्निफिकेंट टाइम, अपना रिसोर्सेज, अपना एक्सपर्टाइज ताँ जो ये जो मार्केट में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसको डिटेल में एनालाइज कर पाए और जो मिस प्राइज एसेट्स हैं, मतलब उन एसेट्स के जिनके प्राइजेस सही तरीके से इंफॉर्मेशन के बेसिस पे नहीं लगे उनको आइडेंटिफाई किया जा सके और जितनी भी प्रॉफिट अपॉर्चुनिटीज निकल रही है मार्केट में उनको एक्सप्लॉइट किया जा सके ठीक है। यानी रिचर्ड रोल्स इतना सिंपल इतना कहता था कि जो ऐसे ट्रेडर्स हैं, यानी अगर इनकी प्रेजेंस है, यानी जो मतलब ट्रेडर्स कैसे, यानी जो एक्टिवली ट्राई करते हैं कि वो मार्केट से खुद को आउट परफॉर्म कर, मतलब मार्केट में अपने आप को आउट परफॉर्म करके हाईलाइट कर सके और जो नेसेसरी प्री कंडीशन है मार्केट की जो उनको एफिशिएंट बनने के लिए रिक्वायरमेंट है उसकी उसको भी पूरा कर सके। दो इसका मतलब सिंपल चीज़ है, दो चीज़ें समझ लो, एक ऐसा ट्रेडर चाहिए मार्केट को जो बहुत अच्छा काम करेगा, वो आउट परफॉर्म करेगा। दूसरा, वो जो मार्केट को एफिशिएंट बनने के लिए इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है यानी वो प्री कंडीशन है वो पूरी करेगा। यानी अगर ये दो चीज़ें हैं तो आपका ट्रेडर बिल्कुल परफेक्टली सेट बैठता है आपके मार्केट के लिए। अब रेशनल क्या है इसी? मतलब इस चीज़ के पीछे आइडिया क्या है, यानी वो क्या कहते हैं, अगर तो आपके
इन्फॉर्म्ड और स्किल्ड ट्रेडर्स प्रेजेंट हैं मार्केट में, ये चीज़ एक तो कंपटीशन क्रिएट करेगी, दूसरा इंसेंटिव्स हो गए मार्केट पार्टिसिपेंट्स के लिए, वो प्राइजेस को एडजस्ट कर सकते हैं अब जो उनके पास अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है उसको रिफ्लेक्ट करने के लिए। ठीक है, समझ रहे हो इतना? मतलब सिंपल चीज़ है, देखो आइडिया सिंपल है, इसके पीछे रीज़न सिंपल है। वो कहते हैं अगर तो आपके पास इन्फॉर्म्ड और स्किल्ड ट्रेडर्स प्रेजेंट है तो उससे क्या होगा, उससे कंपटीशन मार्केट में बढ़ेगा और जितना कंपटीशन बढ़ेगा उतने ही इंसेंटिव्स क्रिएट होंगे मार्केट पार्टिसिपेंट्स के कि वो प्राइजेस को एडजस्ट करेंगे ताजो जो उनके पास पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट है वो उसको रिफ्लेक्ट कर सके। ठीक है, इतना समझ रहे हो? आगे चलते हैं, आगे वो क्या कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, देखो वो कहते हैं जो ये ट्रेडर्स होते हैं, एक तो इनके इनमें इतनी काबिलियत है कि जो मिसप्राइज एसेट्स होते हैं ना, यानी जिन एसेट्स के प्राइजेस बिल्कुल ठीक तरीके से नहीं रखे हैं, मतलब वो मिसप्राइज है किसी भी तरीके से, ये एक उनको आइडेंटिफाई कर देते हैं, और दूसरा जितनी भी प्रॉफिट अपॉर्चुनिटीज अवेल हो रही हैं या मतलब एग्जिस्ट कर रही हैं मार्केट में, ये उनको अच्छे से ग्रैब कर लेते हैं। सो ये इन शॉर्ट कंट्रीब्यूट करते हैं मार्केट की एफिशिएंसी में बाय क्विकली इनकॉर्पोरेटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन टू इनटू एसेट प्राइसेस। मतलब ऐसे ट्रेडर्स के प्रेजेंस मार्केट को एफिशिएंट ही बनाते हैं क्योंकि इनमें इतनी काबिलियत है, अगर मार्केट में कोई भी न्यू इन्फॉर्मेशन जनरेट हो रही है ये उसको बड़ी जल्दी न्यू जो एसेट है उनके प्राइसेस में इनकॉर्पोरेट कर देते हैं। सो ये था रिचर्ड रोल का, मतलब कौन बंदा था और तो उसने क्या कॉन्सेप्ट दिया था और क्या इसके रिगार्डिंग पेपर में क्वेश्चन पूछा गया। अब हम स्कोप ऑफ फाइनेंस में हमने तीन एरियाज कर लिए, एक तो कॉर्पोरेट फाइनेंस कर लिया, इन्वेस्टमेंट बैंकर और फाइनेंशियल मार्केट। अब आगे चलते हैं, आगे हमारे पास आता है पर्सनल फाइनेंस क्या होता है। देखो जो आपका पर्सनल फाइनेंस है ना, ये रिलेट करता है कि जो आपके पर्सनल फाइनेंशियल रिसोर्सेस है आप उनको किस तरीके से मैनेज कर रहे हो, यानी अब ये आपके पर्सनल है, इनमें किसी और बंदे का कोई लेना देना नहीं। इसमें बजटिंग आप कैसे कर रहे हो, अपनी सेविंग्स कितनी, आपकी इन्वेस्ट कैसे कर रहे हो पैसा ताजो आपकी रिटायर मतलब आपको रिटर्न्स अच्छी मिले और आप अपने रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग क्या कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इंटरनेशनल फाइनेंस। इसमें आप वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स और ऑपरेशन आते हैं जो दो कंट्रीज के बीच में हुई हैं, मतलब अब ना तो कोई इंडिविजुअल बिजनेस का ना कोई बंदे का लेना देना, अब ये कंट्रीज का काम आ गया। मतलब जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स और ऑपरेशन दो कंट्री के बीच में हो रहे हैं, अब उसमें फॉरेन एक्सचेंज मार्केट भी आ जाएगी, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट भी आ जाएगी, इवन क्रॉस बॉर्डर कैपिटल फ्लो सब कुछ इसमें आ जाएगा। ठीक है, अब हम आगे करने जा रहे हैं। देखो सोर्सेज ऑफ, अगर आपको कोई जैसे हम सोर्सेज कर रहे हैं, यानी अगर आपको कोई सिंपल इतना पूछ ले सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का क्या मतलब होता है, यानी पेपर में आया हुआ है। देखो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का सिंपल मतलब ये है कि ये वो मीन्स है जिससे इंडिविजुअल बिजनेस या गवर्नमेंट पैसा उठाते हैं अपनी फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करने के लिए। मतलब सोर्सेज मतलब वो जरिए वो मीन्स हैं जिसके इंडिविजुअल्स हो गए चाहे बिजनेसेस हो चाहे गवर्नमेंट है उनको फंड्स मिलेंगे। अब कुछ कॉमन सोर्सेज आते हैं, ठीक है, वो सबसे पहले हम करेंगे। सबसे पहले आती है इक्विटी फाइनेंसिंग क्या होती है। देखो मैंने स्कोप आपको करा दिया, अब हम कर रहे हैं सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। सोर्सेज का मतलब बता दिया, इसमें पहला आता है इक्विटी फाइनेंसिंग। देखो जब इक्विटी फाइनेंसिंग होगी ना, ये बेसिकली कंपनी के द्वारा की जाती है पब्लिक से पैसा उठाने के लिए। इसमें आप इन्वेस्टर्स को स्टॉक खास करके इक्विटी शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर इशू करते हो कैपिटल को पब्लिक से उठाने के लिए। यानी जब आप वो आपको पैसा देंगे आप उनको स्टॉक दोगे, स्टॉक के साथ साथ उनके पास कंपनी की ओनरशिप भी चली जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट एक टॉपिक पेपर में आया था स्टॉक सप्लिट क्या, उसका क्या पर्पस है। देखो जो पर्पस या लक्ष्य है ना स्टॉक सप्लिट का वो बहुत सिंपल है कि एक तो पहले आप मार्केट प्राइस शेयर का रिड्यूस करना चाहते हो, मतलब अगर 1000 रुपये का शेयर है आप उसको तो उसको 100 रुपये 500 रुपये 50 रुपये उसको रिड्यूस करना चाहते हो। दूसरा आप वाइड पब्लिक ओनरशिप को इनकरेज करना चाहते हो, मतलब आप ये चाहते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स आपके शेयर्स में इन्वेस्ट करें। सो सिंपली जो ये स्टॉक स्प्लिट होता है ना, इसमें आप जो कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं उनको डिवाइड कर दिया जाता है मल्टीपल शेयर्स में। मतलब अगर मान लो 1000 रुपये का शेयर है, अब हम उसको और छोटा करके 100-100 रुपये के शेयर में डिवाइड कर दें। ठीक है, यानी इससे क्या होगा, एक तो नंबर मतलब 1000 रुपये के शेयर की वैल्यू आपने 100 रुपये कर दी। ठीक है, एक तो इससे क्या होगा, जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे उससे, बट जो ओवरऑल वैल्यू है शेयर्स की वो सेम रहेगी। मतलब आप सिर्फ शेयर्स का नंबर उसकी क्वांटिटी बढ़ा रहे हो, उसकी वैल्यू ओवरऑल लेवल पे सेम रहेगी। ठीक है, मेन लक्ष्य स्टॉक सब्लिट का यही है कि आपने एक तो मार्केट प्राइस अपने शेयर का रिड्यूस करना है। जैसे अगर आपको मैं एग्जांपल के साथ कंटिन्यू करें, आपने 1000 वाला शेयर अब 100 रुपये का कर दिया, मार्केट प्राइस रिड्यूस हो गया। दूसरा आपने स्टॉक मार्केट में अपने शेयर्स को ज़्यादा अफोर्डेबल बनाना है। क्यों?
देखो 1,000 रुपये का शेयर आप बहुत कम इन्वेस्टर्स होंगे जो परचेज करेंगे, 100 रुपये का तो हर कोई परचेज कर सकता है। इससे आपका स्टॉक ज़्यादा अफोर्डेबल बन जाता है। जब आप अपने शेयर्स का प्राइस रिड्यूस करते हो तो ये ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को, इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करेगा और इससे आपकी कंपनी की लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर मैं आपको एडिशनली बताऊँ तो जो स्टॉक स्प्लिट है इवन हेल्प करता है कि आप इंकरेज कर सकते हो वाइडर पब्लिक ओनरशिप। जितना शेयर का छोटा अमाउंट होगा उतने ज़्यादा से ज़्यादा लोग परचेज करेंगे शेयर्स, यानी उतने आपको जल्दी पैसा मिलेगा, आपकी लिक्विडिटी बनी रहेगी और उतनी ही साथ ही साथ आपकी ओनरशिप वाइड होती जाएगी। यानी जब प्राइस पर शेयर लोअर होता है यानी इससे जो स्टॉक है वो ज़्यादा एक्सेसिबल बन जाता है लार्ज नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए। ठीक है, जिससे इंडिविजुअल यानी खास करके ये अब इंडिविजुअल रिटेल इन्वेस्टर्स होंगे यानी नॉर्मल पब्लिक, यानी जो सीधा कंपनी में शेयर्स को खरीदना चाहते हैं। यानी कहीं ना कहीं इससे आपका जो शेयर होल्डर्स बेस है वो बहुत वाइड हो जाएगा और आपकी मार्केट पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो जाएगी। ये था फर्स्ट हमारा सोर्स इक्विटी फाइनेंसिंग का। अब हमारा नेक्स्ट सोर्स आता है डेट फाइनेंसिंग। क्या होती है? देखो, डेट फाइनेंसिंग जब आप करते हो तब आप बैंक से पैसा उठाते हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से उधार पैसा उठाते हो, इवन इंडिविजुअल से भी पैसा उठाया जा सकता है, जिसको आपको इंटरेस्ट के साथ एक टाइम पीरियड जो आप स्टार्टिंग में स्पेसिफाई कर रहे हो तो उस टाइम पीरियड के अंदर अंदर विद इंटरेस्ट पेमेंट रिटर्न करना पड़ता है। इसे डेट फाइनेंसिंग का, यानी बेसिकली लोन्स कह सकते हो आप या एक तरह का डिबेंचर्स भी कह सकते हो। ठीक है, यानी इनमें एक तो आपको ब्याज देना पड़ेगा, इनकी रीपेमेंट तो डैम श्योर आपको करनी पड़ेगी चाहे आपको अपने एसेट्स ही क्यों बेचने पड़ जाए, और इनकी रीपेमेंट भी एक स्पेसिफाइड टाइम के अंदर अंदर ही होगी। आगे आते हैं इंटरनल सोर्सेज क्या होते हैं। देखो, जब आप अपने जो आपके बिजनेस के इंटरनली फंड्स जो जनरेट हुए हैं, अब ये या तो थ्रू रिटेन्ड अर्निंग्स हुए होंगे या आपने कोई प्रोविजन बनाई होगी बट वो काम नहीं आई, वो भी पैसा आपके पास बच गया, या आपने अपने एसेट सेल किया होगा उससे जो पैसा आया, जब ऐसी चीज़ों को यानी ये फंड्स आपने किसी बाहरले बंदे से नहीं मांगे, ये आपके अंदर ही जनरेट हुए हैं, उनको जब आप यूज़ करते हो तब आपको आप कह सकते हो कि हम इंटरनल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस को यूज़ कर रहे हैं। अब इसमें रिटेन्ड अर्निंग, देखो जो रिटेन्ड अर्निंग्स होती हैं मतलब ये बिजनेस का खुद का पैसा, ये कहीं बाहर से नहीं आया, जो बिजनेस चाहे बिजनेस ने हमने प्रॉफिट से रख लिया चाहे एसेट्स बेच के रख लिया, मतलब किसी भी वे में बिजनेस ने अपने पास अब रखा हुआ है, अब इसको बाहर इसको उठाने के लिए बिजनेस को कोई पैसा तो नहीं देना पड़ा ना बाहर, सो इसमें हमेशा इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है कैपिटल की। अब मैंने आपको इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट चीज़ें दोनों बताई हुई हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स में। इम्प्लिसिट मतलब इम्प्यूटेड कॉस्ट है, मतलब अगर आप ये सेम चीज़ आप बाहर से उठाते तो आपको इतना पैसा देना पड़ सकता था, या अगर आपका जो पैसा आपने अपने लिए यूज़ किया अगर आप इसको बाहर लैंड करते तो आपको इतना इंटरेस्ट आना था, यानी एक चीज़ के नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव से जो पैसा आ रहा है वो उसकी इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है। और जबकि जो इक्विटी शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इनके एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है कैपिटल की, क्योंकि इन चीज़ों को उठाने के लिए आपको बाहर के लोगों को पैसा देना ही पड़ता है, आपको कॉस्ट बियर अप करनी ही पड़ती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं हमारे जैसे इंटरनल सोर्सेज थे, अब आएंगे हमारे एक्सटर्नल सोर्सेज। ठीक है, आगे चलो, जो एक्सटर्नल सोर्सेज हैं इसमें आप एक्सटर्नल पार्टी से फंड्स उठाते हो, जैसे वेंचर कैपिटलिस्ट हो गए, एंजल इन्वेस्टर्स हो गए या क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म्स हो गए। इसको और डिटेल में हम आगे करेंगे। मतलब किसी भी जब आप बाहर ले अपनी कंपनी अपने बिजनेस को छोड़ के जब आप बाहर ले बंदों से पैसा उठाते हो तो वो आप एक्सटर्नल सोर्सेज कहलाते हैं। आगे आती है गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड सब्सिडीज। जब आप फाइनेंशियल असिस्टेंस सरकार से कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए रिसीव करते हो, मतलब सरकार आपको कोई पर्पसेस होते हैं उन्होंने डिसाइड ऑन किए होते हैं उनके लिए, जब वो आपको पैसा प्रोवाइड करती है, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है, वो इसके अंदर आते हैं। अब ये पर्पस क्या हो सकता है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो सकती है या आपने रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट लगाना वगैरह वगैरह। ठीक है, आगे आता है ट्रेड क्रेडिट। जब आप गुड्स और सर्विसेज उधार पे सप्लायर से खरीदते हो यानी उसके लिए सप्लायर आपको डेफर्ड पेमेंट्स अलाउ कर देते हैं, मतलब वो ये कहते हैं चीज़ें आप अभी ले लो चाहे पेमेंट्स थोड़ी टाइम बाद कर देना। ठीक है, नेक्स्ट आता है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लीजिंग। देखो, जब आप एसेट्स या इक्विपमेंट को रेंट पे लेते हो फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड और आप उस पीरियड के लिए रेगुलर लीज पेमेंट्स करते हो तो तब आप लीजिंग कर रहे हो। ठीक है, ये तो एक ओवरव्यू था। अब लीजिंग को हम बहुत डिटेल में करने जा रहे हैं क्योंकि लीजिंग का टॉपिक स्पेसिफिक ही मेंशन भी है और इसमें से बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं लीजिंग के टॉपिक में। देखो, यानी जो लीज फाइनेंसिंग होती है ना, ये एक ऐसी लॉन्ग टर्म फॉर्म है ना फाइनेंस, मतलब ऐसी लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग की फॉर्म है जिसमें एक कंपनी या इंडिविजुअल क्या करता है, वो दूसरे बंदे से या इंस्टीट्यूशन से ऑप्टेन कर लेता है एक एसेट का यूज या इक्विपमेंट बाय एंटरिंग अ लीज एग्रीमेंट विद द लेसर ओनर। अब जो लेसी है वो उसने लीज कर ली, वो रेगुलर लीज पेमेंट्स दी जाएगा लेसर को ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड। सिंपल वे में समझाता हूँ, थ्योरी को छोड़ो। मान लो दो बंदे हैं ए और बी। ए
जो बी बंदा है उसके पास ना कोई एसेट और इक्विपमेंट है, ए बंदे को वो अपने बिजनेस के लिए एसेट और इक्विपमेंट चाहिए। एक तो ऑप्शन है कि ए बंदा बी बंदे से एसेट और इक्विपमेंट खरीद लेगा, दूसरी ऑप्शन है वो उसको लीज पे लेगा। खरीदने के ऑप्शन को अभी साइड पे रख लो। अब ए बंदा क्या कर रहा है, वो बी बंदे को कह रहा है कि भाई जो ये एसेट और इक्विपमेंट है मुझे चाहिए, आप इसका यूज़ मुझे दे दो, बदले अब मैं इसको 5 साल यूज़ करना चाहता हूँ, बदले में 5 साल में आपको रेगुलरली मंथली पेमेंट्स देता जाऊँगा इसके यूज़ के लिए। अब इस चीज़ के लिए वो एक एग्रीमेंट में एंटर कर जाते हैं जिसे लीज एग्रीमेंट कहते हैं, और ये पूरे प्रोसेस को लीसिंग कहते हैं। अब ए बंदा उससे जो एसेट वो यूज़ के लिए एक्वायर कर रहा है, मतलब ओनरशिप नहीं ट्रांसफ़र हो गया, केवल यूज़। अब ए बंदा लेसी कहलाएगा और बी बंदा अब एसेट या इक्विपमेंट को दे रहा है उसको हम लेसर कहेंगे, ठीक है। सो ये एक ऐसा अरेंजमेंट जिसमें आप एक एसेट या इक्विपमेंट को यूज़ के लिए मंथली या क्वार्टरली लीज पेमेंट देती हो, ठीक है। आगे आता है नेक्स्ट, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आता है ऑफ बैलेंस शीट सोर्सेज फाइनेंस के कौन से है। देखो जो ये आपके ऑफ बैलेंस शीट सोर्सेज नाम ही बताता है, मतलब ये बैलेंस शीट के बीच में नहीं आएंगे। अब हम इसको डिटेल में करते हैं। देखो जो ऑफ बैलेंस शीट सोर्सेज है ना, ये ऐसी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ हैं जो कंपनी की बैलेंस शीट को डायरेक्टली इम्पैक्ट करते ही नहीं है, ठीक है। इनडायरेक्ट इम्पैक्ट कहीं ना कहीं पड़ सकता है, बट ये डायरेक्टली दिखेगा नहीं आपको बैलेंस शीट में ये चीज़ें, मतलब ये कंपनी की बैलेंस शीट को डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं करेंगे। इनको टिपिकली यूज़ किया जाता है और फंड्स को ऑप्टेन करने के लिए और जो आपका रिस्क अराइज हो रहा है उसको मैनेज करने के लिए। विदाउट, देखो ये चीज़ें आप नो डाउट आप फंड्स को ऑप्टेन करने के लिए और अपने रिस्क को मैनेज करने के लिए यूज़ हो गए, बट ये चीज़ें कभी भी बैलेंस शीट में इन द फॉर्म ऑफ एसेट्स या लाइबिलिटी रिकॉर्ड नहीं की जाएंगी। इसी कारण इनको ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स कहा जाता है या ऑफ बैलेंस शीट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस कहा जाता है। अगर मैं आप ये ना पेपर में उन्होंने आपको क्वेश्चन दिया था, 7-8 ऑप्शन दे रहे थे, वो कहते थे बताओ इनमें से कौन सी ऑफ बैलेंस शीट सोर्सेज या फाइनेंस। सबसे पहले आता है इसमें सिक्योरिटाइजेशन। सिक्योरिटाइजेशन में क्या होता है, इसमें एसेट्स की कन्वर्जन होती है, जैसे आपके लोन्स हैं, रिसीवेबल्स हैं ना, आप इनको ट्रेडेबल सिक्योरिटीज में कन्वर्ट कर देते हो, ठीक है। मतलब जितने देखो आपने किसी को लोन दिया है या आपने किसी से पैसा रिसीव करना है, वो अभी टाइम बाद आएंगे ना, आप उसको ना सिक्योरिटीज में कन्वर्ट कर देते हो। यानी ये चीज़ कंपनी को अलाउ करती है कि वो फंड्स को रेज कर सकती है अपनी सिक्योरिटीज को सेल करके। पहले आपने उनको चीज़ों को सिक्योरिटीज में कन्वर्ट किया, बाद में आपने उनको बेच दिया, यानी बेच के अब आपने उन चीज़ों के इन्वेस्टर्स को बेच दिया, यानी बेचेंगे तो आपके पास पैसा आएगा। यानी इन शॉर्ट जो एसेट्स हैं उनको ऑफ द बैलेंस शीट ही ट्रांसफर कर दिया रहता है, मतलब ना तो बैलेंस शीट में कोई चेंजेस आएंगे क्योंकि बाहर से बाहर ही सब सेटलमेंट होगी। ये होती है सिक्योरिटाइजेशन। सेकेंड आती है फैक्टरिंग। देखो फैक्टरिंग भी एक ऐसी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है जिसमें कंपनी अपने अकाउंट रिसीवेबल्स को, यानी उन बंदों से जिन बंदों से उन्होंने पैसा लेना है, उनको ट्रांसफर थर्ड पार्टी को कर देती है जिसको फैक्टर के नाम से जाना जाता है। अब ये चीज़ होती है डिस्काउंट पे। मान लो अगर कंपनी ने 1,00,000 रुपए के अकाउंट रिसीवेबल है, कंपनी को अभी इमिडिएटली पैसा चाहिए, वो 1,00,000 करके अकाउंट रिसीवेबल फैक्टर को ट्रांसफर कर देगी। वो कह दे कि चलो ठीक है आप मुझे 90,000 अभी दे दो, 10,000 आपका डिस्काउंट है। इसे फैक्टरिंग कहा जाता है। यानी ये चीज़ भी अलाउ करती है कंपनी को कि इमिडिएटली वो कैश फ्लो कैश को रिसीव कर सकते हैं। अब फैक्टरिंग अगेन एक ऑफ बैलेंस शीट सोर्स ऑफ फाइनेंस है। नेक्स्ट आता है फोरफिटिंग। फोरफिटिंग में क्या होता है, इसमें जो आपकी फ्यूचर पेमेंट ऑब्लिगेशंस है उनको बेच दिया जाता है, जैसे आपके प्रॉमिसरी नोट्स या ट्रेड रिसीवेबल्स, ये टू अ फोरफिटर एट डिस्काउंट। देखो उसमें फैक्ट्री में रिसीवेबल्स आते हैं, इसमें आपके फ्यूचर पेमेंट ऑब्लिगेशंस, यानी आपको फ्यूचर में जो हमने पेमेंट देनी है उनको बेचा जाता है डिस्काउंट पे, ठीक है, समझ गए। आगे चलते हैं, आगे आता है जो हमारा वो आता है ऑपरेशनल लीज। जो चौथा मेजर ऑफ बैलेंस शीट सोर्स है वो है ऑपरेशनल लीज। ऑपरेशनल लीज में देखो ये है तो लीसिंग की टाइप ही, हम आगे ना लीसिंग की टाइप भी करेंगे उसमें भी ये आएगा। ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो कंपनी को अलाउ करता है कि वो एक एसेट को यूज़ कर सकते हैं, जैसे चाहे वो इक्विपमेंट हो चाहे वो प्रॉपर्टी हो, एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए विदाउट उसकी ओनरशिप ट्रांसफ़र किया है। मतलब ओनरशिप उसी बंदे के पास रहेगी जिसका वो एसेट है, बट कंपनी यानी वो एसेट को यूज़ कर सकती है स्पेसिफाइड पीरियड के लिए, ठीक है। यानी सिंस जो आपका लीज एसेट है वो बैलेंस शीट में तो आएगा ही नहीं, क्योंकि बैलेंस शीट में तो वो एसेट्स आते हैं जो ओनरशिप में हो आपके, मतलब जो कंपनी के नाम में हो। सो इन शॉर्ट आपका ऑपरेशनल लीज भी एक ऑफ बैलेंस शीट सोर्स हो गया फाइनेंस का।
अब हम कर रहे थे हमें लीज फाइनेंसिंग के कुछ मेजर की फीचर्स आते हैं, उनको स्टडी करते हैं। देखो सबसे पहला तो फिक्स पेमेंट्स, जब आप किसी के साथ लीज एग्रीमेंट में एंटर कर गए हो तो जो लेसी है यानी जिसने ऑप्टेन किया है ऐसे या इक्विपमेंट का यूज़, उसे मंथली कह लो या मतलब क्वार्टरली कह लो, उसको फिक्स पेमेंट्स एज अ लीज रेंटल देनी ही पड़ेगी। सेकेंड ओनरशिप, देखो लीज एग्रीमेंट में ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती, मतलब ओनरशिप जिस बंदे का एसेट इक्विपमेंट उसके पास ही रहेगी, बस आप यू ऑप्टेन यूज का करते हो, मतलब आपको यूज मिल जाएगा एसेट के एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के लिए और उसके बदले में आप लीज पेमेंट या लीज सेंटर्स पे करते रहोगे, बट आपकी ओनरशिप आपके पास नहीं आएगी। नेक्स्ट आता है ड्यूरेशन। देखो लीज शॉर्ट टर्म के लिए भी हो सकती है, लॉन्ग टर्म के लिए भी हो सकती है, ये डिपेंड अलग अलग फैक्टर्स पे करता है, यानी आपके एसेट की नेचर क्या थी या आपके दोनों के बीच एग्रीमेंट किस नेचर का हुआ। मेंटेनेंस एंड इंश्योरेंस, देखो जो लीज है जब लीज होगी एसेट का यूज लेसी के पास आ गया ना, अब उसने एसेट या इक्विपमेंट को यूज करना है लंबे समय के लिए या जितना भी टाइम उन्होंने डिसाइड किया। सो यहाँ पे ये चीज़ है कि जो एसेट की मेंटेनेंस और इंश्योरेंस है वो अब किसकी जिम्मेवारी है, वो लेसी की है, यानी जो बंदा उस एसेट को यूज कर रहा है, ओनर का लेसर का इसमें कोई लेना देना नहीं, ठीक है। अब आपको एडवांटेजेस क्या मिलती है लीज फाइनेंसिंग की, देखो सबसे पहले तो कॉस्ट एफिशिएंसी। अगर आपको देखो कोई इतना महंगा, मतलब अगर आपने एक सेम एसेट अगर आप उसको परचेज करने जाओ तो आपको मोटा अमाउंट मोटी कैपिटल तभी पे करनी पड़ेगी जिससे आपकी फाइनेंशियल पोजीशन कहीं ना कहीं हिल जाएंगी, बट सेम एसेट को आप लीज पे आप कॉस्ट एफिशिएंट मैनर में ले सकते हो उसका यूज़, जस्ट ओनरशिप ही नहीं आई ना आपके पास, यूज़ तो आपका आ गया ना, मतलब आप कम पैसे में सेम एसेट का यूज़ ऑप्टेन कर सकते हो, ये सेकेंड है कॉस्ट एफिशिएंट है। सेकेंड है फ्लेक्सिबिलिटी, यानी जितने देखो जो लीज टर्म्स है, मान लीजिए जितने टाइम के लिए आपने लीज ली है उसको टेलर किया जाता है लेसी की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के, मतलब अगर आपको जो लेसी बंदा है उसको जितना टाइम पीरियड चाहिए लीज का वो उतना उस अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लिया जाता है। अगर उसको 20 साल के लिए एसेट चाहिए तो तब 20 साल कर लेंगे, 10 साल चाहिए तो 10 साल कर लेंगे, ठीक है। और इवन कई बार ना एंड ऑफ लीज ऑप्शंस बहुत बढ़िया दी जाती है कि उस टाइम पीरियड ऑफ होने के बाद लेसर ऑप्शन देता है लेसी को कि अगर वो एसेट को परचेज करना चाहता है तो वो भी परचेज कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं टैक्स बेनिफिट। कई जूरिसडिक्शंस में जहाँ पे लीज पेमेंट की जाती है ना, मतलब अगर किसी बिजनेस ने या कंपनी में लीज एग्रीमेंट किया हो उसको लीज रेंटल्स देने पड़ेंगे, लीज पेमेंट करेंगे, वो टैक्स डिडक्टेबल होती है, यानी उसके आपको पोटेंशियल टैक्स एडवांटेजेस मिल जाती हैं। नेक्स्ट आता है अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी। देखो लीज का सबसे बड़ा फायदा, आप नए नए एसेट्स बहुत कम अमाउंट पे ले सकते हो लीज रेंटल्स में, मतलब आपको अपडेटेड टेक्नोलॉजी मिलेगी, यानी देखो आपको परचेस करने की ज़रूरत है, मतलब क्योंकि जितनी न्यू टेक्नोलॉजी आएगी उतनी महंगी होगी, यानी उतना आपको पैसा चाहे आपके पास नहीं भी है ना तब भी आप लीज के थ्रू नई टेक्नोलॉजी की एडवांटेज ले सकते हो, ठीक है। अब ना हम कुछ टाइप्स करने जा रहे हैं लीज की, एडवांटेजेस मैंने आपको करा दी। देखो सबसे पहले आती है फाइनेंशियल लीज। फाइनेंशियल देखो अब लीज का मतलब मैंने आपको समझा दिया, वो मैं मतलब सारे बारी बारी नहीं समझाऊंगा, डायरेक्ट बताता हूँ कि जो फाइनेंस लीज है उसका क्या है। देखो जब फाइनेंस लीज की जाती है जितने भी एसेट की ओनरशिप के रिगार्डिंग रिस्क या रिवॉर्ड्स होते हैं वो सारे के सारे लेसी को ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं, मतलब जितना जो लेसर है ना जितने भी सब्सटेंशियल रिस्क का रिवॉर्ड जो ओनरशिप के रिगार्डिंग अराइज हो सकते हैं एसेट की वो साथ के साथ लीज एग्रीमेंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं लेसी को। सेकेंड आती है ऑपरेटिंग लीज, इसमें जितने भी रिस्क या रिवॉर्ड्स हैं जो इंसिडेंटल है ओनरशिप ऑफ एसेट के रिगार्डिंग उनको लेसर नहीं ट्रांसफ़र करता, मतलब वो लेसर के नाम पे ही रहते हैं, ओनर के नाम पे ही रहते हैं, ठीक है। आगे एक ना दो लाइंस आई थी पहले वो समझो। फर्म्स ऑप्ट फॉर बाइंग एन एसेट इफ द इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप एंड ऑपरेशन इज लेस देन द बेस्ट लीज रेट इट कैन गेट, बिल्कुल करेक्ट है। वो क्या कहते हैं, अगर देखो एक एक साइड आप एसेट को परचेज कर रहे हो दूसरी साइड आप लीज पे ले रहे हो, आप एसेट को तभी बाय करोगे तभी परचेज करोगे अगर जो एक तो उसका जो आप पहला प्राइस पे करोगे उसको एक्वायर करने के लिए, एक जो उसकी एनुअल कॉस्ट है, इन दोनों का अगर सम टोटल कम बनता है आपके लीज पेमेंट से, यानी जो बेस्ट लीज रेट आपको मिलेगा ना उससे अगर कम बनता है इन चीज़ों का पैसा, मतलब आपको परचेज करने में अगर फायदा हो रहा, मतलब आपको कम पैसे देने पड़ रहे हैं, तो डैम श्योर है आप फिर एसेट को फर्म्स क्या करेंगे, वो एसेट्स को या इक्विपमेंट को परचेज ही करेंगे, ठीक है। और सेकेंड उन्होंने एक लाइन कही थी, ऑपरेटिंग लीसेस आर अट्रैक्टिव टू इक्विपमेंट यूजर्स इफ द लीज पेमेंट इज लेस देन द यूजर्स इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट ऑफ बाइंग द इक्विपमेंट। और अगर ऑपरेटिंग लीज आप ऑपरेटिंग लीज में तब जाओगे अगर जो आपकी जो आप एसेट्स को या इक्विपमेंट्स को यूज़ कर रहे हो जो उसकी लीज पेमेंट्स
वो कम आपको पड़ रही है, मतलब आपको कम खर्चा आ रहा है। अगर वो अब किसके कंपैरिजन में कम आ रहा है, अगर आप उस एसेट को परचेज कर रहे हो, यानी जहाँ तो उसकी एक नॉर्मल परचेज प्राइस होगी और उसकी एनुअल कॉस्ट होगी। अगर आपका लीज पेमेंट्स इन दोनों के कॉम्बिने प्लस से सम टोटल से कम होगा, तब आप ऑपरेशन लीज की तरफ जाओगे। ये दोनों स्टेटमेंट्स एब्सोल्युटली 101% करेक्ट थी, मैंने आपको बता लिया। एक बार आप पढ़ भी लेना, अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। आगे बढ़ते हैं, आगे आता है सेल एंड लीज बैक क्या होता है। देखो इसमें जो लेसी है, यानी वो क्या करता है, वो एक अपने एसेट को सेल कर देता है, ठीक है, कैश के लिए एक प्रोस्पेक्टिव लेसर को, मतलब ठीक है। अब ये चीज़ लेसी से चलती है, लेसी अपने एसेट को सेल कर देगा, उसको एक उसने एक बंदा ढूंढ लिया जो एसेट को खरीदना चाहता है, उसने उस एसेट को सेल कर लिया, उसके बदले में उस बंदे ने लेसी को पैसे दे दिए और वो ही एसेट को लेसी क्या करेगा, दोबारा से अपने लीज पे ले लेगा। इसे कहते हैं सेल एंड लीज बैक। यानी जो सेल और लीज बैक अरेंजमेंट है ना, ये तब सूटेबल होता है जब लेसी की जो लिक्विडिटी क्राइसिस वो फेस कर रहा है। मतलब एक तो उसकी लिक्विडिटी क्राइसिस बहुत ज़्यादा आ रही है, पहले वो क्या करेगा, एसेट को बेचेगा, एसेट बेच के उससे पास पैसा आएगा, उस पैसे से अब वो क्या करेगा, वो अपना काम भी स्टार्ट कर लेगा, उसी एसेट को दोबारा पे लीज पे ले लेगा। अब लीज रेंटल तो ऑब्वियस है, वो तो मंथली ही होंगे, इकट्ठा तो नहीं पैसा जाएगा ना, और इवन इससे प्रॉफिट्स भी जनरेट होने स्टार्ट हो जाएंगे। इस अरेंजमेंट में लेसी एक पहले एसेट को हमने बेच देगा, प्रॉपर्टी इक्विपमेंट को बायर को बेच देगा और इमीडिएटली उसको लीज पे कर लेगा। ये चीज़ लेसी को कहीं ना कहीं अलाउ करती है कि वो फ्री अप कर सकता है कैश को अपने एसेट को बेच के और कंटिन्यू कर सकता है उस एसेट का यूज़ अगेन, ठीक है, समझ आ गया। अब आगे चलते हैं, आगे आती है डायरेक्ट लीज। देखो इसमें जो लेसी या जो ओनर है इक्विपमेंट का, वो दो डिफरेंट एंटिटीज होते हैं डायरेक्ट लीज में। मतलब लेसी अलग बंदा, इक्विपमेंट का ओनर अलग बंदा, यानी आप ऑपरेटिंग और फाइनेंस लीज को मिक्स कर देते हो फुल पे आउट बेसिस पे और प्रोवाइड करते हो लेसी को एक परचेज ऑप्शन। बड़ी सिंपल चीज़ है, पहले लीज जितना टाइम, मतलब आपका जितना अमाउंट है, मतलब जितना भी आपने पैसा देना है लीज के थ्रू, आप उसको फुल पे आउट कर दोगे, ठीक है, और उसके बाद आपको जो लेसर है वो एक ऑप्शन प्रोवाइड करता है, इफ़ यू वॉन्ट टू परचेज अ एसेट, यानी आप उस एसेट को परचेज भी कर सकते हो। ये बेसिकली डायरेक्ट लीज की टाइप होती है, मतलब डायरेक्ट लीज कहलाती है। आगे आती है लिवरेज लीज। देखो इसमें लेसर, लेसी और फाइनेंसर तीन बंदे होंगे, यानी लेसर इक्विटी प्रोवाइड करेगा एंड जो मेजॉरिटी ऑफ अमाउंट है वो फाइनेंसर एज अ लोन प्रोवाइड कर देगा, ठीक है, इसे हम लिवरेज लीज कहते हैं। मतलब सिंपल है, यानी जो लेसर है वो आपको इक्विटी प्रोवाइड कर देगा जितनी बनती है, और जो पैसा आपको है वो आपको फाइनेंसर तीसरा बंदा प्रोवाइड करेगा, इसी कारण इसे लिवरेज लीज कहा जाता है। आगे आती है वेट लीज क्या होता है। देखो ये ना मैचिंग के क्वेश्चन में बहुत बार आया गया, मतलब उन्होंने एक टाइप एक लिस्ट में आपको लीज के टाइप्स दे दी, दूसरी लिस्ट में उसकी डिस्क्रिप्शन दे दी। आपको अगर मतलब अच्छे से बताओगे तभी आप इस चीज़ को अच्छे से इसका करेक्ट आंसर प्रोवाइड कर पाओगे। आगे आती है वेट लीज क्या होता है। देखो वेट लीज में फाइनेंसिंग आती है सर्विसेज की और फ्यूल की, एयर के इंडस्ट्री में ये बेस्ट ऑप्शन है इस चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए। यानी अगर आप जो आपके एरोप्लेन्स हैं उनमें जो एयरक्राफ्ट खास करके इंडस्ट्री है, वो वेट लीज को यूज़ करते हैं फाइनेंसिंग के लिए अपने फ्यूल को और अपने एयरक्राफ्ट की सर्विसेज के लिए, यानी इसी कारण इसे वेट लीज कहा जाता है। मतलब इसकी डिस्क्रिप्शन ही इस चीज़ के बेसिस पे है। आगे आती है अपडेट लीज। इसमें आप प्रोटेक्ट करते हो लेसी को अगेंस्ट द रेट ऑफ ऑब्सोलेंस। मतलब देखो एसेट्स हैं डेप्रिशिएट होंगे, ऑब्सोलेट तो वो होंगे ही होंगे, बट इसमें लेसी को उस चीज़ को बियर करने की ज़रूरत नहीं, उसको प्रोटेक्शन मिलती है, यानी इसी कारण इसे अपडेट लीज का नाम दिया गया। अब आज के सेशन का दो लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं, उनको करते हैं। सबसे पहले देखो पैकिंग ऑर्डर थ्योरी फाइनेंस में क्या होती है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी है, पेपर में पता नहीं कितनी बार पूछी गई है। यानी जो आपकी ये पैकिंग ऑर्डर थ्योरी है ना फाइनेंस में, इसको मायर्स और मेजलफ ने 1984 में प्रपोज किया था, और जो इसकी बेसिस थे वो ये थी कि एक अजर्शन थी कि जो इन्फॉर्मेशन है मैनेजर्स और इन्वेस्टर में वो असिमेट्रिक होती है। मतलब अगर मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड एक लाइन में बताऊं तो मैनेजर्स के पास अच्छी ज़्यादा कंपनी की इन्फॉर्मेशन होती है एज़ कंपैरिजन टू इन्वेस्टर्स। जो ये थ्योरी का मेन फोकस रहा था वो ये कहते हैं कि फर्म ने किस तरीके से अपना सोर्स ऑफ फाइनेंस को चूज़ करना है जब उनके पास इंफॉर्मेशन असिमेट्री की सिचुएशन वो फेस कर रहे हैं। मतलब पैकिंग थ्योरी का सिंपल ये कहना था कि जो मैनेजर्स हैं ना, कहीं ना कहीं उनके पास बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन होती है कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ की और कंपनी के प्रॉस्पेक्ट्स की, यानी कंपनी फ्यूचर में कितना एक्सपेंड और ग्रो कर सकती है। अगर हम ये चीज़ को कंपेयर करें आउटसाइड इन्वेस्टर, मतलब आउटसाइड इन्वेस्टर के पास ठीक है इन्फॉर्मेशन होती है, बट वो इतनी
ज़्यादा नहीं होती कि वो मैच कर पाए जितनी इन्फॉर्मेशन मैनेजर्स के पास है। मतलब इन्वेस्टर्स इतना अच्छे से अनुमान नहीं लगा सकते कि कंपनी की क्या फाइनेंशियल हेल्थ चल रही है असलियत में और क्या उसके फ्यूचर के प्रॉस्पेक्ट्स है। ये चीज़ मैनेजर्स को कहीं जगह अच्छे से मतलब कहीं ना कहीं अच्छे से पता होती है। सो जो ये इन्फॉर्मेशन असिमेट्री है ये ना एक पैकिंग ऑर्डर क्रिएट कर देती है, हायरार्की क्रिएट कर देती है कि आप कंपनी ने किस अपने फाइनेंसिंग सोर्सेज को अरेंज कैसे करना है। मतलब अगर कंपनी ने फाइनेंसिस को उठाना है उसको अलग अलग सोर्सेज को टैप आउट करना है वो किस हायरार्की का ऑर्डर में टैप करेगी। सो ये थ्योरी का क्या कहना है कि जो फर्म है वो सबसे पहले प्रेफर करेगी कि अपनी जो जो वो इन्वेस्टमेंट्स करने जा रही है उनको जो फाइनेंस करना है वो इंटरनल फंड से पहले करेंगे। मतलब कंपनी सबसे पहले अपना खुद का पैसा यूज़ करेगी, यानी जितनी भी कंपनी की रिटेन्ड अर्निंग्स हैं ये सबसे पहले यूज़ की जाएगी इन्वेस्टमेंट्स को फाइनेंस करने के लिए। क्योंकि मैनेजर्स को पता है कि मतलब ये चीज़ क्यों, क्योंकि मैनेजर्स को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक्यूरेट और अप टू डेट इन्फॉर्मेशन उनके पास है कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन को लेके। सो वो पहले अपने ही फंड्स को प्रेफर करेंगे। जब इंटरनल फंड्स मान लो अगर तो ये चीज़ इनसफिशिएंट हो जाती है फिर तो कंपनी आगे नहीं जाएगी, बट अगर इंटरनल फंड्स इनसफिशिएंट होते हैं फिर फर्म क्या करेगी, अगर उसको और पैसा चाहिए अपने इन्वेस्टमेंट्स को फाइनेंस करने के लिए फिर वो डेट फाइनेंसिंग की तरफ जाएगी। ठीक है, यानी डेट जो है जो डेट फाइनेंसिंग की तरफ क्यों जाएगी, क्योंकि जो डेट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ना कहीं ना कहीं ये इम्पोज किए जाते हैं जब आपके पास इंफॉर्मेशन असिमेट्री कॉस्ट हो। मतलब ठीक कहने का मतलब ये है, ठीक है, एज डेट कॉन्ट्रैक्ट्स इम्पोज लेस इंफॉर्मेशन असिमेट्री कॉस्ट कंपेयर टू इक्विटी फाइनेंस। बहुत सिंपल में मैं समझाता हूँ, कंपनी पहले इंटरनल फंड्स को यूज़ करेगी उसके बाद डेट फाइनेंसिंग। देखो डेट फाइनेंसिंग को प्रेफरेंस इसीलिए दी जाती है इक्विटी फाइनेंस के कंपैरिजन में, क्योंकि देखो जो आपके देखो इन्फॉर्मेशन अब आपके पास अच्छी नहीं है, मतलब असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन, इसकी आपको कीमत पड़ती है, इसकी कीमत इक्विटी में ज़्यादा है डेट में कम है, इसी कारण डेट को प्रेफरेंस दी जाती है। अब जो इक्विटी इशुएंस है इसको कंसिडर किया जाता है लास्ट रिसोर्ट। कंपनी इक्विटी फाइनेंसिंग में पैकिंग ऑर्डर थ्योरी के अकॉर्डिंग बिल्कुल लास्ट में जाएगी, क्योंकि मैनेजर्स रिलेक्टेंट होते हैं, वो ट्राई करते हैं कि वो अवॉइड करें कि वो उनको न्यू इक्विटीशियस इशू ना करने पड़े, क्योंकि जब वो न्यू इक्विटीशियस को इशू करते हैं ये चीज़ सिग्नल देती है कि फर्म अब ओवर वैल्यू हो रही है और उनके पास जो इन्फॉर्मेशन है ना वो एडवर्स है, उसके नेगेटिव इफेक्ट्स पड़ रहे हैं जिसके कारण कहीं ना कहीं स्टॉक प्राइस पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है कंपनी की वैल्यू ओवर होने के बजाय, मतलब मार्केट रेट शेयर का रिड्यूस हो सकता है। सो ये था पैकिंग ऑर्डर थ्योरी फाइनेंस में क्या होती है उसका डिटेल में। सिंपल वे में बताऊँ तो यानी जो मैनेजर्स हैं अब उनके पास एक एक्यूरेट अप टू डेटेड और स्ट्रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को लेकर और कंपनी के फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स को लेकर एज इन कंपेरिजन टू आउटसाइड इन्वेस्टर। सो मैनेजर्स को पता है वो सबसे पहले, अब पैकिंग ऑर्डर थ्योरी का सिंपल ये कहना है कि प्रेफरेंस दी जाती है जब आपने अपने फाइनेंशियल सोर्सेज मतलब जो सोर्सेज से आपने फाइनेंस लेना है सबसे पहले आप प्रेफरेंस दोगे अपने खुद की रिटेन्ड अर्निंग्स को, देन फिर डेट फाइनेंसिंग को प्रेफरेंस दी जाती है और लास्ट में एज अ लास्ट रिसोर्ट इक्विटी फाइनेंसिंग को यूज़ किया जाता है। ठीक है, अगर आप एक चीज़ चेक कर लो, एक ना पैकिंग ऑर्डर थ्योरी का क्वेश्चन आया था, मतलब उन्होंने मतलब एक नहीं आता ही रहता है। ठीक है, उन्होंने आपको मैंने मतलब तो आपको पैकिंग ऑर्डर थ्योरी का बता दिया, यानी आपको ये सजेस्ट करती है कि आपके फाइनेंसिंग की प्रेफरेंसेस क्या होगी। अब ये चीज़ आपको डिपेंड करती है, आपको एनालिसिस करने पड़ेंगे कि कॉस्ट या अवेलेबिलिटी क्या है अलग अलग सोर्सेज। उन्होंने आपको ऑप्शन दे दी थी तीन, उन्होंने कहा था आप इसको अरेंज करके बताओ कि पैकिंग ऑर्डर थ्योरी के अंदर आपका हायरार्की अरेंजमेंट क्या होगा। सो सबसे पहले तो मैंने आपको ये, अब मैं आपको डिटेल में ऑलरेडी करा चुका हूं, देखो सबसे पहले तो आप री इन्वेस्टमेंट करोगे अपनी अर्निंग्स की, यानी ये दूसरा नाम है रिटेन्ड अर्निंग्स का। तीसरा है इशू ऑफ डेट, यानी अब आप डेट फाइनेंसिंग की तरफ जाओगे, लास्ट में आप न्यू इक्विटी शेयर्स को इशू कर सकते हो। ठीक है, अब ना मैंने आपको वैसे ना ये ना कुछ सोर्सेज ऑफ फाइनेंस सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन है, मतलब मान के चलो कि अगर आपने इस चीज़ को और डिटेल में करना है ना आप इन चीज़ों को स्टडी कर सकते हो। मतलब अगर आप चाहते हो कि और गहराई में जाना, वैसे इन पेपर के लिए इनफ है, बट अगर आप चाहते हो कि हमने और चीज़ में इसको समझना है तो आप इन सोर्सेज को अच्छे से देख लेना। मतलब आप अगर आपके पास कोई फाइनेंशियल टेक्स्ट बुक है उसको स्टडी कर लो, अकेडमिक आपको नेट पे बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी, इंडस्ट्री पब्लिकेशंस मिल जाएंगी कि आप सोर्सेज को कैसे करते हैं टैप ऑन कर सकते हो। अब लास्ट आज के सेशन का आता है कि करेंसी डेप्रिसिएशन इन इंडियन रुपी क्या होता है। देखो जब जो करेंसी डेप्रिसिएशन इंडियन रुपी में है वो ज़्यादातर तब होती है, इट हैज़ बीन लार्जली एट्रिब्यूटेड टू फॉलोइंग फैक्टर्स। उसके कुछ फैक्टर्स हैं, सबसे पहले आते हैं पोर्टफोलियो आउटफ्लोस, यानी जो पोर्टफोलियो आउटफ्लोस है इसका क्या मतलब हुआ, आप अपने फाइनेंशियल एसेट्स को सेल कर रहे हो जैसे अपने स्टॉक्स या बॉन्ड्स को फॉरेन इन्वेस्ट मतलब
मतलब पोर्टफोलियो आउटपुट का मतलब क्या होता है, इसमें फाइनेंशियल एसेट्स खास करके स्टॉक्स या बॉन्ड्स को सेल किया जाता है, फॉरेन इन्वेस्टर्स सेल करते हैं या डोमेस्टिक मार्केट में। इससे क्या होगा कि सिग्निफिकेंट आउटफ्लो होगा पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स का, यानी ये कहीं ना कहीं डाउनवर्ड प्रेशर पुट करेगा करेंसी के, जिसके कारण करेंसी हमारी डेप्रिशिएट होगी, उसकी वैल्यू इन कंपैरिजन टू अदर करेंसीज रिड्यूस होगी। नेक्स्ट आता है हायर इंपोर्ट्स एंड डेट सर्विसिंग, यानी जब कंट्री एक मतलब जो कंट्री है जब उसके हायर लेवल ऑफ इंपोर्ट्स होंगे या उसको नीड पड़ेगी अपनी एक्सटर्नल डेट ऑब्लिगेशंस को सर्विस करने के लिए, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं डिमांड क्रिएट करेगी फॉरेन करेंसी के लिए। सो जितनी ये डिमांड इंक्रीज होगी फॉरेन करेंसी के लिए, उतनी ही जो हमारी डोमेस्टिक करेंसी है वो डेप्रिशिएट होगी, डोमेस्टिक मतलब उतनी ही डेप्रिसिएशन होगी हमारी डोमेस्टिक करेंसी में। ठीक है, सो यहाँ पे कंप्लीट होता है आज का हमारा यूनिट नंबर 4 बिजनेस फाइनेंस का सिलेबस का फर्स्ट लाइन विद ऑलमोस्ट 100% सारे टॉपिक्स मैंने आपको कवर करवा दिया जो पेपर में पूछे जाते हैं। सो करते हैं आज का सेशन वाइंड अप, फिर मिलते हैं कल विद अ न्यू सेशन विद अ न्यू सेट ऑफ टॉपिक्स। सो एक और चीज़, दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कर लो, PDFs भी आपको इसके मिल जाएंगे, वो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में टेलीग्राम पे मिल जाएंगी, जो इवन यूट्यूब चैनल के में क्लासेस आपको मिल रही है, और जो आपका डेली क्विज है वो भी आपको यूट्यूब और टेलीग्राम दोनों पे मिल जाएंगे। ठीक है, सो करते हैं वाइंड अप, गुड आफ्टरनून, हैव अ नाइस डे अहेड।